सो हाई एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं एससी वर्मा के सॉल्यूशंस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर गिवेन है कि वैन अ प्रोटोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम। तो एक प्रोटोन है जो कि रिलीज किया गया है विद यू इज इक्वल टू जीरो। इट स्टार्ट्स विद एन एक्सिलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शन ले लेते हैं गाइज, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट इज आई एंड नॉर्थ इज जे, ठीक है, ये ले लिया है। और के आपकी तरफ है, जिसको मैं अपवर्ड बोलूँगा, ठीक है, आपकी तरफ जो होगा दैट विल बी अपवर्ड। तो अपवर्ड को आई एम टेकिंग एज के, ऐसा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपकी तरफ मतलब ये, दिस इज के। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, वेन अ, हाँ ये तो बता ही दिया मैंने आपको, वेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इट स्टार्ट्स विद एन एक्सिलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। तो जो इसका एक्सिलरेशन है दैट इज माइनस ए नॉट आई, ठीक है, ये है। When it is projected towards north with a velocity v naught, और जब उसको v naught j से, क्योंकि north में बोला है, तो इसको जो acceleration आता है that is minus 3 a naught i, west में बोल रहे हैं। Find the electric field and the maximum possible magnetic field in the room. तो guys यहाँ पर एक concept है that is very important, कि जब आपका velocity zero है तो उस समय केवल इलेक्ट्रिक फोर्स आप पे एक्ट करेगा, बिकॉज इट्स अ चार्ज पार्टिकल, तो दोनों फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तब काम करती है, वो हमेशा ही काम करती है, वेदर द पार्टिकल इज मूविंग और इट्स नॉट मूविंग। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कब फोर्स लगेगी, जब आपका पार्टिकल मूव करेगा। यानी जो पहला केस है जिस समय बोल रहे कि जब रेस्ट पे था ये प्रोटॉन, उस समय जो फोर्स है वो वेस्ट पे लग रहा होगा, तभी एक्सिलरेशन माइनस ए नॉट पे है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस समय क्या रही होगी, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में रही होगी, और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखो, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन आई की तरफ ऐसे है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूँ, दिस इज योर आंसर, माइनस एम नॉट ए ई, ठीक है। अब देखो, एफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बेसिकली, अब जो दूसरा बोल रहे हैं कि नेट जो एक्सिलरेशन है इस समय दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट, तो उसको भी लिखने का, इसमें m इंटू ए कर दो, तो माइनस थ्री बाहर ले लेते हैं, तो माइनस थ्री एम ए नॉट आई, ठीक है। अब एफ बी का तो बाद में देखेंगे, लेकिन एफ ई हमें पता है, बिकॉज वी नो ये फोर्स है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ई, ठीक है। तो अगर फोर्स मैं यहाँ से देखूँ तो ई इंटू ई इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट आई, तो यहाँ रख दो, माइनस एम ए नॉट आई प्लस एफ बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स एम ए नॉट आई, तो इसको इधर भेज दो, तो प्लस एम ए नॉट आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम ए नॉट आई हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, दैट इज इट इज़ टूवर्ड्स निगेटिव आई, यानी कि वेस्ट की तरफ है। तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, एफ जो है दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट, और वेलोसिटी गिवेन है दैट इज टूवर्ड्स जे। तो यानी कि आपको ऐसे रखना पड़ेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी जे की तरफ कर दिया मैंने, और फोर्स देखिए ये वेस्ट की तरफ जिधर थंब है, एंड नाउ इसको घुमाया ऐसे, तो डाउनवर्ड की तरफ बी है, तो बी की जो डायरेक्शन आएगी दैट इज माइनस के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस के में। फिर से देख लीजिए, ठीक है, अंदर की तरफ है
और इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इट्स माइनस के डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई वी वी जे है, बट डायरेक्शन से क्या लेना देना, डायरेक्शन हम ऑलरेडी निकाल लिए, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो पता ही चल गया ना इससे, रूल से, थंब रूल से। अब बी निकालना है अपने को, तो बी ए है एंड दिस इज माइनस टू एम ए नॉट, ठीक है। अब बी चाहिए आपको, देन इट विल बी माइनस एम ए नॉट और दैट इज़ के डायरेक्शन अपॉन क्या है ई वी। तो बी जो है मैक्सिमम दैट विल बी टू एम ए नॉट ई वी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका आंसर है, क्लियर। आई डोंट थिंक यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज इजियर वन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर अ 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर placed in the magnetic field of 0.1 tesla making an angle of theta is equal to 53 degree with the wire, what magnetic force does the wire experience, what magnetic force does the wire experience। to guys jo f hai uska formula hai il cross b, aur jo length of the wire that is current ki direction mein jo length liya jata hai usko hum log lete hain aur l aur b ke beech mein cross product rehta hai, theek hai। तो अब यहाँ देखो आई कितना दिया है, सब वैल्यूज़ वगैरह रख दीजिए आप। तो पहले कर लेते हैं आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा ये, आई इज़ गिवेन एज 10, लेंथ जो है वो 0.1 मीटर है, बी भी 0.1 है और साइन 53, बस बस बस, ठीक है। अब 10 इंटू 0.11 हो गया, ख़त्म कर दो इसको, 0.1 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, तो इसको पॉइंट और एक लगा देते, चलो अच्छा लगेगा, 0.01 और ये 40 हो जाएगा, 5/8 = 40, सो फोर्स विल बी 0.08 न्यूटन। अब डायरेक्शन देख लेते गाइस, डायरेक्शन देखिए हमेशा क्या होता है, F का जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, और जो भी लेंथ ऑफ द वायर है, तो फोर्स विल बी, तो आई एम टेलिंग यू, यू कैन राइट इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड बी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड बी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब यहाँ पर देखेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, तो मैंने बना दिया यहाँ पर, करंट ऑफ 2 एम्पियर एंटर्स एट द कॉर्नर डी ऑफ स्क्वायर है ये फ्रेम ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिख दीजिए, एंड लीव्स एट द अपोजिट एंड ऑफ द बी। तो जितनी करंट आई है गाइज उतनी ही आएगी, एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये 2 एम्पियर आई और 2 एम्पियर चली गई, ठीक है, करंट जो है। अब क्या कह रहे हैं, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम, बाहर की तरफ है, एज शोन इन द फिगर। तो व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फ्रेम। अब देखो जो आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एरिया एंड रो, एक ही मटेरियल से बना होगा ऐसा मान लिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सेम ही होने वाला है। इसका मतलब कि लेंथ के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना लेंथ इधर होगा उतना ही लेंथ ये है, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, तो इस कारण से जो करंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर 1 एम्पियर 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, ठीक है, तो इधर से 1 एम्पियर गया, 2 एम्पियर ये। तो अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो फोर्स निकालना है, तो मैं सी डी पे फोर्स जो निकालूंगा, अब ये बात समझ लो कि जो आपका बी का डायरेक्शन वो बाहर है
और करंट का डायरेक्शन इधर है और इसमें भी बी का डायरेक्शन इधर ही है और करंट का इधर ही है, तो बी सी दो सी डी में जो फोर्स होगा वही ए बी में भी फोर्स होगा, और जो ए डी में फोर्स होगा वही बी सी में भी होगा, और मैग्नीट्यूड तो चारों के ही बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन किसका किसका सेम होगा, डायरेक्शन वाइज ये दोनों सेम होंगे, सी डी और ए बी और ए डी और बी सी डायरेक्शन वाइज। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेंथ सेम है, करंट सेम है, बी सेम है, तो और क्या चाहिए, आई एल बी तो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, वो सब सेम है, तो ये सब सेम होगा, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक जगह कहीं पर भी फोर्स निकाल लेता हूँ वही सबका रहेगा। तो आई कितना दिया है, 1 एम्पियर है, ठीक है भाई। लेंथ कितना दिया है, 0.2 मीटर है, और एल और बी में 90 डिग्री का एंगल, इसलिए साइन 91 हो गया, तो 1 एम्पियर इंटू 0.42 मीटर, और क्या बचा, आई एल बी, हाँ बी 0.1। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन के साथ ये क्वेश्चन हो गया 0.02 न्यूटन। अब डायरेक्शन देखिए, अब आप तो इधर देखेंगे हम, तो करंट की तरफ हमने अपने हाथ को कर लिया और बी बाहर है तो ऐसे कर लिया बी, तो देखो अंगूठा किधर लग रहा है आपका, थंब इट्स डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाया करंट से बी की तरफ, इसका मतलब है ऐसे है, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रही, करंट ऐसे जा रही और ऐसे घूम गई, तो देखो फोर्स ऐसे डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है, मैं डायरेक्शन बना देता हूँ ऐसे, तो अगर उसमें लग रहा है ऐसे तो इसमें भी ऐसे ही लगेगा। अब इसमें कर लेते हैं, ऐसे करो करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को करो और ऐसे घुमा लो, आपकी तरफ घुमा दिया, तो ये फोर्स लेफ्ट में ऐसे लग गया इसमें, और इसमें भी एफ लेफ्ट में, तो यही डायरेक्शन है, बी सी और ए डी में लेफ्ट की तरफ लग रहा है आपके, ठीक है, और मैग्नीट्यूड है 0.02 न्यूटन, और सी डी और ए बी में नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पर, एंड द फोर्स का मैग्नीट्यूड इज़ अगेन सेम 0.02 न्यूटन। तो इसके साथ आपका 8th क्वेश्चन हो गया है, लेट्स मूव टू नाउ 9th क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं अच्छे से समझते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल रीजन दिया गया है यहाँ पर, बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक है सिलेंड्रिकल रीजन, इससे एक तार जा रहा है गाइज ऐसे वायर, एंड इसका रेडियस आर दिया गया है सिलेंड्रिकल रीजन का, एंड दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। इफ़ इट इज़ नॉर्थ टू साउथ द व्हाट विल हैपन, कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, नॉर्थ से साउथ जाती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड बी की वैल्यू दी गई है 1 टेस्ला, and whatever else is given is produced by strong electromagnet of radius is given, radius लिख लो 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 0.04 मीटर, 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, then what is given, अ वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ आई बी गिवेन है आपको 1 एम्पियर, इस प्लेस पर पेंडिकुलर टू एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सेस ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्स, तो फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है गाइज, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, तो बी देखो ऐसे काम कर रहा है, एल इधर है, तो पहले फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो आई की तरफ मैंने अपने हाथ को किया और बी की तरफ घुमाया, यानी कि अंदर फोर्स लग रही है ऐसे क्रॉस, ठीक है, समझ में आया सबको, ऐसे लो आई की डायरेक्शन में, ठीक है, और बी की तरफ घुमा दो उंगलियों को,
अंगूठा जिस तरफ है उस तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। एंड यू कैन ईजली सी कि ये एल और ये बी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, तो ये क्रॉस वॉस हटाओ यहाँ से, साइन 91 हो गया। एंड फोर्स तो बड़ा ही आसान हो गया बिकॉज आई तो 1 एम्पियर है, लेंथ वॉज 4 सेंटीमीटर आई थिंक, तो उसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा बिकॉज देखो पूरा डायमीटर इसके अंदर आ जाएगा, तो 8/100 एंड बी इज़ जस्ट 1 टेस्ला। तो फोर्स इज गाइज 0.08 न्यूटन इनसाइड, दिस इज़ द आंसर। सो इट वॉज वेरी ईजी क्वेश्चन। एंड गाइज आई इज़ नॉट 1 एम्पियर, आई डोंट नो कहाँ से लिख दिया मैंने, 2 एम्पियर है, तो आई 2 कर दो इसको और इसको 2 कर दो, तो एफ विल बी 0.16 न्यूटन। ठीक है, सॉरी। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 10th question गाइज। अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करेंट आई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, सो देर इज़ अ लेंथ एल विच इज़ कैरिंग अ करेंट आई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, सो करेंट इज ऑल्सो गिवेन, आई है, आई कैप नहीं, आई है, ठीक है। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज़ गिवेन एज बी इज इक्वल टू बी नॉट आई प्लस जे प्लस के टेस्ला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो देखो ये तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया गाइज, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, F इज इक्वल टू आई रखो ऐसी, L हो गया एल आई, क्रॉस प्रोडक्ट करो B नॉट, तो L भी बाहर ले लो और B नॉट भी बाहर ले लो, आई एल बी, ठीक है, आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्वेश्चन है। आई क्रॉस आई दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है, आई और आई दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है, जिसके कारण ये तो जीरो हो गया, बचा क्या, आप देखो आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के, आई जे के हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था आई जे, तो आपकी तरफ जब आए तो के बाहर, ठीक है, तो दिस इज के, आई क्रॉस के आई ऐसे करना पड़ता है मुझको, आई के देखो नीचे की तरफ है तो माइनस जे, तो एफ इज इक्वल टू गाइज आई एल बी, और ये के माइनस जे है, अगर हम इसका मॉड एफ लेंगे ये तो वही रहेगा, इट्स अ मैग्नीट्यूड थिंग, इसका रूट टू आ जाएगा, तो आंसर विल बी रूट टू आई एल बी, ये हमारा फोर्स है। तो गाइस 2 क्लासेस अब हो गई हैं मैग्नेटिक की, एंड टुमारो वी विल बी डूइंग नाउ रे ऑप्टिक्स, एंड आई थिंक कि आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इट्स टफ, ठीक है, अच्छा है, मज़ेदार है, समझ में आपको आएगा। एंड कीप कमेंटिंग गाइस, आई एम लविंग इट, आप लोगों के कमेंट्स इज बूस्टिंग डेली आने पे अच्छा लगता है, एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय। एंड गाइज ये बी नॉट था सब जगह, ठीक है, यहाँ पे बी नॉट था ना, बी नॉट आई प्लस, सॉरी फॉर दैट।